पा रहा हूँ। साले डूब के मर जा। यार एक नंबर का गधा है साजन। अगर मैं तेरी जगह होता ना बेटा तो मैडम के साथ अब मर साले। मैं घटिया हूँ टीचर हूँ तो फिर ये सारी बातें तू मुझसे क्यों बोल रहा है? चल तू घटिया है तू लीचर है लेकिन है तो तू मेरा दोस्त ही ना यार। मेरा दोस्त है ना यार तेरा भी। हाँ एक केस दे यार। हाँ अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरी बीवी और बहुत ही साधे हम चुप हैं यार। अमीरा और मैं तेरे पास तो नहीं रहूँगा। हाँ हाँ हेलो यस मैडम। मिसेस साधे ने प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ मैडम छेती निकल लिया क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप मिस्टर साजन? नहीं आई एम सॉरी मैडम मैं आप परेशान लग रही थी ना मुझे लगा कोई सैड न्यूज़ है कोई चला गया। नो हाँ बिकॉज क्या हो गया है एकदम से अचानक से जो साजन अग्रवाल लोगों ने देखा है मैं कमेंट मैडम में वो बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है उसका। हमेशा वो मैडम के पीछे भागता रहता है प्रेस करने के लिए और अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए और फैंटेसाइज करता रहता है सपने देखता रहता है। और बीवी तो उसको लगता है घर की मुर्गी दाल बराबर। जो हर एपिसोड में जो है बड़ा मज़ेदार हो रहा है क्योंकि बहुत ही कंट्रास्ट हो गए कैरेक्टर के कि संजना साजन को रिझा रही है और उसके पीछे पड़ी हुई है वो एक विश्वामित्र मेनका वाला जो ट्रैक होता है वैसा। और साजन जो है वो अपनी मतलब इनोसेंस या मैं एक अच्छा आदमी हूँ ऐसा साजन के साथ घूमने मतलब हर उसकी ड्रीम पूरी करने के लिए तैयार है। और साजन जो है वो एकदम ऐसा भगवान बना हुआ है वहाँ पे कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं मैं तो कुछ नहीं। ऊपर से जब वो वहाँ से फ्रस्ट्रेटेड होकर घर आ रहे हैं तो घर में बीवी बिल्कुल दाना नहीं डाल रही बिल्कुल अवॉइड कर रही है तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं पर निकाल नहीं पा रहा। तो अभी उसके साथ हमने जो किया सीन कि इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि वो खिलौनी को किस करने पर उतारे हुए और खिलौनी जो है हमेशा की तरह रीझा हुआ है बहुत इस बात से कि ये क्या तरीका हुआ। छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं इस एपिसोड में और बहुत मज़ा आएगा ऑडियंस को मुझे लगता है कि एक आदमी का जो कैरेक्टर लोगों ने देखा है जो किरदार उससे एकदम ऑपोजिट अगर हो जाए तो क्या होता है लाइफ में।